ओ मेरा सोना हिमाचल, ओ मेरा प्यारा हिमाचल। नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे भताल गांव की, जो कि ब्रई पंचायत में है। और वहां से एक भाई जिनका नाम इंदर जी है, उनसे मैंने बातचीत की है। तो आइए चलते हैं और आप भी इस खूबसूरत व्लॉग में देखिए आगे इस गांव के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र है जी। अच्छा इंद्र जी, ये कौन सा गांव है? इस गांव का नाम बताल है। अच्छा ग्राम पंचायत ब्रई गाँव है। अच्छा बताली सात घर नहीं जी, सब अपने ने, मतलब लोकल है ना इतनी रहे, बाकी सब इसे प्यूर था इस घर बस रहे जी। बाकी ऐसा ग्राम रहे है, खेती बाड़ी बड़ी अच्छी करते, सब अच्छे खेती बाड़ी करने, अखरोट बड़े अच्छे होंगे इस ग्राम का, अखरोट की पैदावार, सेब ए चीज़ें मतलब उगाते थे अपने ग्राम का, मतलब अपने खाना पीना जरा से, मतलब अपने ग्राम की फसल पाई जाती है सही तरीके, मां जी देसी और राजमा पाए जाते, सरसों पाई जाती, ये सब चीज़ें मतलब इस ग्राम का सब आपू खेती बाड़ी करी करी उगाते थे, देसी मतलब यूज करते जितने भी करने। बाकी इस ग्रां के सब मतलब माणु आपू हे रल मिल के रेंदे भाईचारे सौगी, सब ठीक ने आपू हे जितने भी ने, मतलब तौल सत अठ तौल ने अपने भाईचारा अपने, मतलब एक ब्याह है सही है रेंदे सब जी ने मिल करी। अच्छा इंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी देने के लिए अपने बताल इस खूबसूरत गांव के लिए। और अब सर थोड़ा सा गांव में भी चलेंगे, थोड़ी और गांव के बारे में थोड़ा आपसे थोड़े जानने की कोशिश करें। अच्छा इंद्र जी, आपने ये पेड़ तो बहुत खूबसूरत लगा रखे हैं सर, ये किस चीज़ के हैं? ये थोड़ा सा ही लग रहा है जी, नींबू का, ये गलगल का, आगे वो दाड़कू का, मतलब सीधे चटनी बनाते, गलगल का चार बनाते अच्छा, फिर। नींबू और गलगल और दाड़कू। हाँ जी तीन ही। इंद्र सर, आपके ये आंगन में जो आपने बिछा के रखा हुआ है, क्या क्या है सर? ये गोबर गोबर फुकाई करे, मतलब रखे दे स्टोर करी करे, बाकी फिर बाद आंदा बगड़ी आंदा पाए दी ना, ये हरों रखू दे फुकाए ने इतों, मतलब हरों कड्ढी करी उस बाद आंदा कड्ढी लेना इतों, तो अब जी फुकाने रखू दे थोड़ा, मतलब सुकेगा नहीं ठीक। इंद्र सर, मैं देख रहा हूँ कि गांव में बहुत अच्छे खूबसूरत घर भी आपने बना रखे हैं, लेकिन एक ये बहुत पुराना सा घर एक दिखाई दे रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। इनके ग्राम का सब तो पुराना घर ये है पूरा, मतलब बता ले रहे जितने बुजुर्ग थी इनके 100 साल पुराना, कोई इतने अंदर रह रहे सब इतने मंदिर में है, बाकी ये रहना भी तो वैसे जड़ा में तू इस घर है, बाकी नवे पाए लाए सब नहीं है, पर ये घर ही है पुराना, ये रहना भी तो। अच्छा, बुजुर्गों की निशानी है इसलिए आपने ये ऐसे ही रहने दिया है, लेकिन नए घर भी आपने अभी बना रखे हाँ हैं। जी हाँ जी। इंद्र सर, ये जो इतने बड़े बड़े जो स्लेट हैं, ये चक्के जिनको बोलते हैं हम देसी भाषा में अपने, ये सर इनके बारे में बताओ, इतने बड़े तो मैंने कभी नहीं देखे सर। ये इतने निकल रहे इन्नी है, मतलब इनके दादू परदादू है जी, ये घर पूरा थे उस टाइम में परदादू थी, ये मतलब इतनी कड्डी करी इतनी पाई दी तो फिर बनाई। आपके परदादा जी ने निकाल के हाँ जी रखे हुए हैं ये? हाँ जी। वाह भाई, गांव के बीच एक बहुत ही खूबसूरत ये घर मकान, और इसके बीच में जो लकड़ियां हैं वो स्टोर करके रखी हुई हैं सर्दियों के मौसम के लिए, और ये लकड़ी से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत घर। तो इंद्र भाई जी, ये बनाया है आपने अपना नया घर? जी ये इंदा नवा घर है, बाकी इन्हें मतलब लगू रहने काम जेरा में लगू रहने पूरा लगा रहे इन्हें मतलब नवा। अच्छा, ये जो है नीचे आप नए घर डाल रहे हैं। अच्छा तो इंद्र जी, ये फलदार पेड़ जो हैं आपके कौन कौन से हैं? इन्हें मतलब ये लोरी खुमानी ना, इन्हें मतलब अच्छा डाटी में ना थोड़ी थोड़ी, ये सब पूरा खुमानी है इन्हें मतलब। ये खुमानी है ऊपर जो ये है? अखरोट वाला पूरा ही। अच्छा, ये अखरोट है आगे में ऊपर? बड़ा ने अखरोट बुन ने उन्हें मतलब सारा ही मतलब यार सेब में ने पीछे ऊपर। अच्छा, ये खुमानी और अखरोट वगैरह हाँ हैं जी ये? खुमानी अखरोट सेब भी है तो सर फलदार पेड़ तो आपने काफ़ी लगा रखे हैं सर। जी सर, इस गांव में मतलब ठीक है, मतलब जितने बड़े हैं लगाए हुए आगे बढ़ बड़े।
इंद्र जी, और आपके गांव की कोई विशेषता? विशेषता तो बाकी के है, पर बाकी अब तुसु पता जे तो टोपरी जी वो गुच्छी वल्द है, इतना सीजन चलो था इंदा घर ने इन मते ए तो टोपरी होंदी लगु रही है, एक जी ए निकल गई, एक एरा ए लगु रही है, एरा ए मतलब ए ए ले। ये तो आपके आपके क्या बोलते हैं घरों के बिल्कुल साथ में ही है ये तो। मतलब ये सब जगह इन्हें मतलब बड़ी भरी तो टोपरी बंदी पे रही थी, मतलब ऐसे ही ले ले। अच्छा, गुच्छी मिलना आपके लिए आपके गांव में और आपके घरों के साथ में मामूली बात आई। हाँ जी, यहाँ पड़ी होती है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात है जी। हाँ, इन्हें मतलब बड़ी भरी बंदी पे रही, इन्हें मतलब सारे ऊपर अपने आ रहा गर्मी होता है, इसलिए पानी बिल्कुल ठंडा होना ठेरा, और सर्दी होता बिल्कुल गर्म होता, सराहनी पानी है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी होता है, पानी तो बहुत निर्मल और स्वच्छ है। दादे परदादे का टाइम मरा मतलब तीन बनो दा थोड़े रेनोवेशन हो रही बाद अंदर, बाकी ठीक है चलता है। इंदा ग्राम सब तो बेस्ट। इंद्र भाई जी, बहुत आपका थैंक्स हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए, अपने गांव भताल के लिए इतनी अच्छी जानकारी और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे गांव पे थोड़ा प्रकाश डाला, लोगों में ऐसे पहुंचाया कि ऐसे भी गांव है, थोड़ा इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।